नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शमशी फिरदौस और आप देख रहे हैं वक्त टीवी। कोविड-19 की वजह से नालंदा के प्रिंस राज के पासिंग आउट परेड में उसके परिवार वाले हिस्सा नहीं ले पाएंगे। दरअसल प्रिंस राज देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने अपना कोर्स पूरा करने के बाद लेफ्टिनेंट बन गया है और अब देश की सेवा में चला जाएगा। परंपरा रही है कि इस पासिंग आउट परेड में परिवार के लोग हिस्सा लेते हैं और जब उनके कांधे पर सोल्जर टाइटल लगाई जाती है उस समय अधिकारी और उनकी माँ या पिता भी एक सोल्जर टाइटल लगाते हैं। दरअसल ये पासिंग आउट समारोह 13 जून को आयोजित होना है और इस गौरवमयी क्षण का इस बार प्रिंस राज के परिवार वाले हिस्सा नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं इस परिवार को इस बात का मलाल है कि प्रिंस के पासिंग आउट में ये लोग हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। प्रिंस राज की मां गीता कुमारी का कहना है कि मुझे गर्व है कि मेरा बेटा देश की सेवा में जा रहा है, मगर इस बात का मलाल भी है कि मैं उसके इस समारोह का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। दरअसल प्रिंस राज नालंदा जिले के बेन प्रखंड अंतर्गत विशुनपुर गांव के विद्युत विभाग के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अनुज कुमार और शिक्षिका गीता कुमारी के बड़े पुत्र हैं। वर्तमान समय में प्रिंस का परिवार बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर पटेल नगर में रहता है। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहने वाले प्रिंस राज के बारे में डिवाइन लाइट सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल दीन दयाल सिंह बताते हैं कि ये बचपन से ही पढ़ाई में अग्रणी था और मात्र 2 माह की तैयारी में इसने सैनिक स्कूल की प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। इसी प्रकार प्रिंस राज की छोटी बहन आराध्या का कहना है कि भाई देश की सेवा में जा रहा है, मगर उसे भी इस बात का मलाल है कि इस पासिंग और परिवार में वह हिस्सा नहीं ले पा रही है। इधर दादा राम वृक्ष प्रसाद और चाचा अजित कुमार ने भी प्रिंस को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रिंस राज डिवाइन लाइट सेंट्रल स्कूल का बहुत ही मेधावी छात्र रहा था। ये जब डिवाइन लाइट सेंट्रल स्कूल में एडमिशन हुआ तो कुछ दिनों के बाद ऐसा महसूस हुआ कि यह लड़का अपने लाइफ में बहुत कुछ करने वाला है, क्योंकि इसका पढ़ने का जो टेंडेंसी था बहुत बढ़िया था, सिस्टम इसका बढ़िया था, क्योंकि कभी भी यह होमवर्क बनाने में कोताही नहीं हुआ करता था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमें महसूस हुआ कि ये लड़का आगे कुछ कंपटीशन निकाल सकता है, तो सैनिक स्कूल नालंदा के लिए फॉर्म फिलअप करवाया गया, जबकि डिवाइन लाइट सेंट्रल स्कूल में कंपटीशन के साथ पढ़ाई होती है सब्जेक्ट मैटर की, स्पेशल से कंपटीशन की पढ़ाई नहीं होती है। फिर भी इस लड़के को मैंने सैनिक स्कूल के लिए नालंदा के लिए फॉर्म फिलअप करवाया। यह लड़का फर्स्ट चांस में ही सैनिक स्कूल के लिए सिलेक्शन हुआ और ऑलवेज वह वहाँ पर कैप्टन ही रहा। और बाद तक भी मालूम हुआ कि जहाँ भी कहीं या इसका ट्रेनिंग वगैरह भी हुआ या पढ़ाई भी हुई तो वहाँ पर यह ऑलवेज कैप्टन रहा। आपको कब जानकारी मिली? 10 दिन पहले मेरी जानकारी मिली कि मतलब पासिंग आउट में आप लोग को आना था, लेकिन कोरोना की वजह से अब नहीं, अब घर में ही वीडियो घर में ही ऑनलाइन से देखना होगा। इसलिए हम लोग खुश हैं कि कहीं भी रहे हम लोग देख सकते हैं ऑनलाइन से न्यूज़ पे, और बच्चे को आशीर्वाद देंगे, उसको इसी को खुशी व्यक्त करते रहें। आपको रिश्ता लगाना था बेटे के कहने पे? हाँ, लगाना था, लेकिन क्या कीजिएगा सर, फ़ोन का रिश्ता ही रिश्ता नहीं होता है। ये तो देश का बेटा है, इसको सीनियर भी समझे कि उसका बचत रहा है, वही लगाएंगे तो उसमें कोई हमको अच्छी नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ा लग रहा है कि हम भी रहते कहीं ना कहीं कसक है, कहीं ना कहीं है, लेकिन मजबूरी है, समय का कोई कहना नहीं है। क्या नाम है? गीता कुमारी। भैया डिफेंस कमीशन ऑफिसर बने हैं और लॉकडाउन की वजह से हम लोग वहाँ जा नहीं सके सारे फैमिली मेम्बर, फिर भी हम लोग बहुत ही फ्रॉड फील कर रहे हैं कि भैया आज कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं, और मुझे भैया पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, और मैं भी चाहती हूँ कि भैया की तरह कुछ करूँ और भैया से कुछ सीखूँ।